For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में इन दिनों कई सारे इंटरेस्टिंग ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते अपकमिंग ट्रैक में फिर एक बार एक बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दिया जाए तो आने वाली है तीज, जिस बीच कार्तिक फिर एक बार अपनी दोनों बीवियों के बीच में फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ परिवार वाले वेदिका की साइड होंगे तो वहीं दूसरी तरफ कायरव की जिद फिर एक बार उसकी मम्मा को उसका हक दिलाता हुआ नजर आने वाला है। तो इसी के चलते अपकमिंग ट्रैक में नायरा की इनसिक्योरिटी भी सामने आएगी। जी हाँ, आपको बता दिया जाए तो नायरा ड्रीम सीक्वेंस में ये देख रही होगी कि उसने कार्तिक के लिए तीज का व्रत रखा है, जिसके चलते उसके हाथों में मेहंदी भी लगी होगी कि तभी वहां आ जाएगी वेदिका उसे इस बात की धमकी देने कि अब कार्तिक पर उसका कोई हक नहीं। ऐसे में तीज का व्रत रखना भी उसके हक में नहीं, जिसके बाद वो ये भी कह डालेगी कि अब कायरव की तबीयत ठीक हो रही है, ऐसे में अब उसे गोयनका हाउस छोड़कर चले जाना चाहिए। यानी अब वेदिका का हक बनता है गोयनका हाउस की बहु रानी बनने का, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की बीवी बने रहने का। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक नायरा गोयनका विला में रहती हुई नजर आएगी। बल क्या नया ट्विस्ट आएगा अपकमिंग ट्रैक में, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ क्या कायरव की जिद कार्तिक और नायरा की फिर एक बार शादी करवाएगी या नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉप न्यूज से कीर्ति की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।